स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आज हम शाम को वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों। ऊंची कूद या लंबी कूद करने से पहले आप जरूर एक्सरसाइज कर लें, इससे आपका पैर खुलेगा और रिलैक्स होगा। नॉर्मल एक्सरसाइज किए हैं, अब हम लोग हाई जंप करेंगे अभी और लॉन्ग जंप भी करेंगे, काहे कि रात हो जाएगा तो फिर कर नहीं पाएंगे, फिर उसका दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, तो करते हैं। दोस्तों हाई जंप करने से पहले आप बोर्ड को नीचे रख के ये वाला जंप जरूर करें, इससे आपका हाई जंप बढ़ेगा। दोस्तों आप लंबी कूद करते हैं तो ये वाला जरूर करिए, इससे आपका लंबी कूद और भी ज़्यादा जाएगा। बीच में पोल रख के उसके ऊपर से कूदिए, आपका लंबी कूद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। गाइस हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, बहुत कूदे, प्रैक्टिस किए, फिर रनिंग। दोस्तों दौड़ रहे हैं भाई लोग के साथ, देख सकते हैं आप। दोस्तों रात होने के कारण मैं एक्सरसाइज का वीडियो नहीं बना सका। दोस्तों मैं रनिंग करके आ गया हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको क्या खाता हूँ मैं रनिंग के बाद। रनिंग करके आके ये साबूदाना खाया हूँ। ये साबूदाना खाने से आपको हाई प्रोटीन मिलता है और इसमें ताकत मिलती है, इसमें कमजोरी नहीं लगेगा आपको रनिंग करते वक्त। इसके ज़रूर इसको खाइए, इसे ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।